हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है और आज मैं बात करूंगा पॉलिटी के संसद टॉपिक की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इसके एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करूंगा जो कि पिछले एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम संसद के बारे में। भारत की संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। भारत के संविधान में अगर मैं संसद की बात करूं तो ये आर्टिकल नंबर 79 के तहत आता है। अक्सर क्या होता है कि हमसे संसद का आर्टिकल भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है साइड में। ये देखिए, येलो कलर से संसद को मैंने बांट दिया गया है, और सै से क्या है 7 बनता है, और लास्ट दया से क्या है 10 बनता है। इनको मिला के क्या बन जाता है 710। और हमें पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 710 नहीं है, तो इसलिए हम 710 से एक कम कर देते हैं और उसका 9 बना देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है 79। हाँ, ये है हमारे संविधान में 79 आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है हमारी संसद का। हमारी संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा क्या है संसद का निम्न सदन है, राज्यसभा संसद का अपर सदन है, और राष्ट्रपति क्या है इन दोनों सदनों को बुलाता है, इन दोनों सदन के सत्रों को बुलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल की बात करते हैं, संसद का आर्टिकल क्या है 79, और उससे नीचे जाएं तो उच्च सदन का कितना है एक, उसमें ऐड कर देना है 80, और लोकसभा का क्या है 81, राष्ट्रपति का है 52। तो आइए चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या है संसद का निम्न सदन है, ये संसद का निम्न सदन है। लोकसभा का निर्वाचन क्या होता है जनता द्वारा ही होता है। लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो क्या होता है 5 वर्ष होता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउस ऑफ पीपल कौन से सदन को कहा जाता है, तो क्या है इसका आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। क्या मतलब है कि राष्ट्रपति क्या है हमारे दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को बुलाता है, ठीक है, पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो चलिए इनकी योग्यता की बात करें तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र क्या हो 25 वर्ष हो न्यूनतम आयु। सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो मैक्सिमम सदस्य की संख्या होती है 552, एट प्रेजेंट है 545। इनमें से राष्ट्रपति नियुक्त करता है 2 सदस्यों को, बाकी 543 में से 530 सदस्य होते हैं जो राज्यों से आते हैं, और इनमें से बाकी के 13 हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। मंत्रिपरिषद भी सामूहिक रूप से क्या है लोकसभा के उत्तरदायी होती है। मैं मंत्रिपरिषद के बारे में बता दूं आपको क्या होता है, इसमें क्या होता है केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री, और इन सभी का हेड कौन होता है प्रधानमंत्री होता है। और क्या है सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य का होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। हमारी इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम कर लेते हैं, जैसे कि पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी हमारी मीरा कुमारी, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जीवी मबलांकर, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है सुमित्रा महाजन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है शून्यकाल क्या होता है। तो शून्यकाल क्या होता है, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य में जो समय होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। इसके बाद बात मैं करता हूँ राज्यसभा की। तो हमें पता है राज्यसभा का आर्टिकल कितना है 80 आर्टिकल है, और ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की बात करूँ तो वो कौन करता है विधानसभा के सदस्य करते हैं। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत आता है, ये सदन कभी भंग नहीं होता, ये बात याद करनी है, ये सदन कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। हर 2 वर्ष बाद क्या होता है एक तिहाई सदस्य जो होता है वो सेवायुक्त हो जाता है, और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है
हमारा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें तो क्या है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हमारा वॉइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति ही उनका सभापति होता है। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है, राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। तो आइए इनकी योग्यता की बात करते हैं। योग्यता में क्या होता है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो मैक्सिमम कितनी होती है, 250 होती है, और 8 प्रेजेंट कितनी है, 245 है। इसमें राष्ट्रपति भी चुनता है, कितने सदस्य चुनता है, 12 सदस्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 245 सदस्यों में से 12 मेंबर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 229 मेंबर हैं जो राज्यों से होते हैं, और 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। तो दोस्तों इसमें याद करने वाली क्या बात है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने नियुक्त करता है, 2 सदस्य, और राज्यसभा में कितने करता है, 12 करता है। तो आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, राधा कृष्ण। पहले उपसभापति कौन थे, एसवी कृष्णमूर्ति राव। सदस्य के दोनों सदनों का अधिवेशन साल में 2 बार बुलाना जरूरी होता है। संसद के दोनों सदन के बीच का अंतराल की बात करें तो वो क्या है, 6 महीने होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं अब उन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि पिछले एग्जाम में अक्सर देखे गए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरी वीडियो का लाभ उठाया है या नहीं उठाया। तो चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये क्या है, एसएससी में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात करें, भारत के संसद के ऊपर हाउस किस नाम से जाना जाता है, भारत के संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संसद के किस सदन को भंग किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीपीओ में 2008 में आया गया है। चौथे क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या है, भारत के संसदीय ढांचे के अस्थायी सदन का नाम बताएं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संसद में लोकसभा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन भी एसएससी 2008-2006 में आया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। हाउस ऑफ द पीपल किस सदन को कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2010 और 2011 में भी ये क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, संसद के किसी सदन के दोनों सदन के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, संसद के सदन में अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता, तो आपको देखना है कौन सा सदन होता है जिसमें अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ 2007 में आया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, लोकसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में 0 काल का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन भी एसएससी 2010 और 11 में आया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मेरी नई अपडेट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है जीके गुरु। तो इसी तरह मैं आपके सामने और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।